नमस्कार, वीकेंड आ पहुंचा है। स्वागत है आप सभी का पाव ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग अंतरराष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो एसजेक्स निफ्टी ने तो काफी समय के बाद अच्छी शुरुआत की है। ट्रिपल डिजिट गेन्स के साथ हम देख रहे हैं 17,470 के पास फिलहाल 113-14 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिखाई दे रही है। इसी के साथ डाउ नैसडैक फ्यूचर्स पर नजर डाली, थोड़ी सी सुस्त शुरुआत यहां दिखी है। डाउ फ्यूचर्स 13 अंक नीचे है। नैसडैक फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं कुछ हल्की फुल्की गिरावट ही नजर आ रही है, ऑलमोस्ट 20 अंक नीचे है इस समय। लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए तो यहां पर हमने देखा है कि कुछ मजबूत शुरुआत हुई है। पॉजिटिव टेरिटरी में निकले जापान का बाजार 350 अंक मजबूत ट्रेड करता हुआ दिखा है, और जो बाकी मार्केट्स भी है ऑलमोस्ट आधे से 1.25% की स्ट्रेंथ के साथ ही खुलते हुए नजर आए हैं। दायरे में बिल्कुल शांत कारोबार हमने कमोडिटी स्पेस में देखा है, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या सोना चांदी। हाँ, प्रेशर एक बार फिर से मेटल्स पे बनता हुआ दिखा है, लगातार 3 दिनों की तेजी पर लगा है ब्रेक। तो क्या हुआ है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, कौन से क्यूज पर रखनी है नजर, कहां हम रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, पूरी डिटेल लेकर आज मेरी सहयोगी नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, मॉर्निंग, बताइए क्या इंटरनेशनल क्यूज है? अब फिर से कोई मलहम लगाने वाला बयान निकल कर आ गया फेड की तरफ से? बिल्कुल, जब भी बयान आता है तो एक रिएक्शन दिखता है। कल थोड़े पॉजिटिव बयान आया कि अटलांटिक के जो फेडरल थे उन्होंने कहा, फेडरल प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा कि वो 25 बेसिस पॉइंट की हाइक में ही बिलीव करते हैं और उसी के फेवर में वो 50 पे नहीं ले जाना चाहते। इसीलिए कल हमने स्ट्रॉन्ग रीबाउंड देखा था यूएस के बाजार में। हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन बयान जब आया उसके बाद डाउ, नैसडेक, S&P में एक अच्छी रिकवरी नजर आई। डाउ में देखेंगे तो 300 से ज्यादा की अंक के ऊपर बंद होता दिखा। नैसडेक में भी देखे तो 80 पॉइंट ऊपर कल बंद होते नजर आया था। जो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि फेड के पर्सन, जितने भी स्पोक्स पर्सन थे उनकी तरफ से जितने भी बयान आ रहे थे वो एक हॉकिश नेचर दिखा रहे थे कि हो सकता है कि इस बार की जो मार्च पॉलिसी आए उसमें 50 बेसिस पॉइंट का हाइक पॉसिबल हो। लेकिन कल जो अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया कि दरें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने पर ही वो पक्ष में, उसके पक्ष में है, इसी के चलते का एक पॉजिटिव रिबाउंड अमेरिकी बाजार में दिखा था। इसके अलावा कल एक और डेटा आया था, मैक्रो डेटा सामने आया है, जहां पर चौथी तिमाही के जो लेबर कॉस्ट है उसमें उछाल दिखा है। इनफैक्ट जो साप्ताहिक बेरोजगार के जो दावे हैं वो 2000 से इस बार नीचे गिर कर 1,90,000 के आसपास आते दिखे। अनुमान जो था वो 1,95,000 के आसपास का था। तो जब इतना डेटा आता है, लेबर का डेटा आता है, तो एक रिएक्शन आपको बॉन्ड मार्केट में दिखता है। तो हालांकि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड या 2 साल की बॉन्ड यील्ड, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि एक सुपर हाइक दिखा है, 4% के ऊपर जाती दिखी थी 10 साल की बॉन्ड यील्ड, और फिलहाल वहीं पर है 4.05 के पास आपको दिखेगी। और 2 साल की बॉन्ड यील्ड की भी बात करें तो क्लोजर टू 5 आपको ये नजर आ रही है, और पिछले एक डेकेड में आपको इतना बड़ा उछाल इन यील्ड में भी नजर आया। डॉलर इंडेक्स 105 के पास आ गया है फिर से। तो एक मैक्रो पिक्चर अब बहुत अनसर्टेनिटी है। जब बयान आता है कि 50 बेसिस पॉइंट की तरफ चलेंगे, हॉकिश कुछ भी आता है तो एक रिएक्शन दिखता है। एक थोड़ा सा मलहम लगा लो या थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ कमेंट्री आती है तो एक अच्छा रीबाउंड मार्केट में नजर आता है। हालांकि मार्च आ ही गया है तो पॉलिसी का इंतजार है, देखते हैं कहाँ पे फेड की तरफ से क्या बयान आता है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करें तो सेल्स फोर्स में कल 11% का उछाल दिखा था, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर फोर के नतीजे आए वो अनुमान से काफी बेटर थे। इनफैक्ट जो गाइडेंस दिया उन्होंने आने वाले साल का वो भी काफी स्ट्रांग था। टेस्ला के स्टॉक में कल 6% की गिरावट नजर आई, क्योंकि उनका इन्वेस्टर डे था, वहां पर उन्होंने काफी निराशाजनक रहा इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अफोर्डेबल ईवी को लेकर वहां पर कोई भी कॉमेंट नहीं आया, कोई प्लान लेआउट नहीं था वहां पर, उसके चलते इतनी कमजोरी कल के दिन टेस्ला के स्टॉक में नजर आई। यूरोप की बात करें तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, डिस्पाइट के रिसेशन वहां पर चल रहा है, उसके बावजूद भी वहां के मार्केट स्ट्रांग है और कल भी स्ट्रांग बंद हुए थे, क्योंकि कल वहां पे इन्फ्लेशन का डेटा आया था और वो थोड़ा सा कूल ऑफ होके आया पिछले महीने के कंपेरिजन में। पिछले बार देखेंगे तो 8.5% के आसपास आते दिखा, जो जनवरी में करीबन 8.6 था, और जो पीक 10.6 हमने देखा
यूरोप में इन्फ्लेशन, वहां से भी थोड़ी नरमी अभी फिलहाल वहां पर नजर आ रही है। कमोडिटी की बात करें तो जैसे कि आपने बताया कच्चे तेल में लगातार 3 दिन मजबूत क्लोजिंग रही है, क्रूड 85 के आसपास है, अभी थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आएगी वहां पर, हालांकि लेकिन 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार भी कर रहा है। सोने चांदी में एक दायरे का ट्रेड बना हुआ है तो यहाँ भी नजर रहने वाली है। सोयाबीन और खाने के तेल को छोड़कर एग्री कमोडिटी भी कल लाल निशान में बंद होते दिखे थे। ईसीबी के फैसले पर बाजार की नजर है तो काफी कुछ है जहां पे नजर रखनी है और ये महीना भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेड का आउटकम भी, पॉलिसी का आउटकम भी आते दिखेगा। बिल्कुल, चलिए तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसी पर हम पूरी तरह से निर्भर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स घरेलू बाजार तो पूरी तरह से ग्लोबल संकेतों की तरफ ही देखते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू नुपुर वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी गुरुवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो काफी समय बाद तीनों आप कह सकते हैं यहाँ पर पारों में हम देख रहे हैं हरियाली छाई हुई है। कैश स्पेस में एफआईआई की तरफ से दमदार खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया, 12,771 करोड़ की खरीद वहां निकल कर आई है। दमदार खरीदारी 2100 करोड़ से अधिक की घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से, और एफएनओ स्पेस में भी बहुत तगड़े फिगर्स निकल कर आए हैं। तो मौजूदा ग्लोबल संकेत जो आज कुछ ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, कल की वीकली एक्सपायरी के बाद आज जिस तरह के संकेत है क्या लगता है, वी हैव रूम फॉर ग्रोथ, क्या अब निफ्टी बैंक निफ्टी की भी रणनीति में बदलाव होगा? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए संकेत बहुत ही बेहतरीन है, अमेरिका में जिस तरह की तेजी हुई वो उम्मीद किसी को थी नहीं कि अमेरिकी बाजार इतनी तेज दौड़ भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात, ये तेजी का जो कारण है वो बाजार को पसंद आने वाला है, यानी कि ब्याज दरों में ज्यादा तेजी से बढ़त नहीं होगी, ये संकेत अमेरिकी बाजारों में कल आते हुए दिखे हैं, जिनके दम पर अमेरिकी बाजारों में बड़ा उछाल आते हुए दिखाई। इस उछाल का फायदा भारतीय बाजारों को 2 वजह से मिलेगा, एक तो ग्लोबल फैक्टर्स अपनी जगह है, और दूसरा एक कल वीकली एक्सपायरी के दिन जो कुछ थोड़ा सा दबाव था लॉन्ग पोजिशन कम होने का वो हो गया, तो थोड़े बाजार हल्के हैं कंपेरेटिवली कल के मुकाबले में। आज नई वीकली सीरीज की शुरुआत में हम थोड़े से और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और एक गैप अप ओपनिंग देखेंगे, और उसके बाद गैप से खुलने के बाद उस अपसाइड को थोड़ा मैनेज करने की, होल्ड करने की कोशिश भी बाजार की होगी। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 17,250-17,300 ये आज के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 17,400-17,500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की आज हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल जाम बंद हुए हम बिल्कुल 40,375 के आसपास, वो एकदम इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो आज के लिए 40,275-40,375 ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 40,700-40,875 इस रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो हफ्ते के आखिरी दिन थोड़ी और अच्छी ट्रेडिंग सेशन और मजबूती देखने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। जी वेरी वेल सर, एक अच्छी खबर आपने यहाँ पर दर्शकों को दी है, खासतौर से वीकेंड पर जब हफ्ता खत्म होता है तो ऐसी खबरें, ऐसी उम्मीद बहुत अच्छी लगती है। तो मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, निफ्टी पर सर मानते हैं 17,250-300 के पास आज आपको अच्छा खासा सहारा निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा। ऊपर रुकावट है 17,450-500 के पास बनती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी 40,275-375 ये आज सपोर्ट बैंड का काम करेगा, और जो रेजिस्टेंस फेस करता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा वो 40,875 के पास है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में आज एक्शन दिखेगा। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। वरुण मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स फ्राइडे मॉर्निंग के लिए, एंड ऑफकोर्स खबरों के दम पर कहां आपको एक्शन दिख रहा है? मॉर्निंग नेहा, तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में तो सबसे पहले आपके कमोडिटी मार्केट से एक है, क्योंकि M6 क्रूड मिनी फ्यूचर्स जो है हाँ वो आज से शुरू हो जाएंगे, एक के बाद एक बहुत सारे मिनी प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें एक सबसे पहले तो वही है, तो वहाँ पे नजर रखिएगा। इक्विटी मार्केट में ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी है इक्विटी मार्केट में उसमें देखिए आंध्र सीमेंट सबसे पहले, कंपनी जो है आज से सस्पेंड हो जाएगी ट्रेडिंग इसके रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव हुआ था NCLT द्वारा उसके तहत। दूसरा स्टर्लिंग बायो, ये कंपनी भी आज से डीलिस्ट हो जाएगी क्योंकि इसको एक US की कंपनी ने एक्वायर किया था। डिवगी TTS IPO आज बंद होने वाला है। इसके अलावा क्वाड फॉरेन मिनिस्टर जो है उनकी मीटिंग है न्यू दिल्ली में, जयशंकर जी इनको चेयर करेंगे। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान के, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है US के, वो भी इसमें पार्ट लेने वाले हैं। इसके अलावा ग्लोबली पुतिन जो है एक इमरजेंसी मीटिंग रशिया सिक्योरिटी काउंसिल में चेयर करने वाले हैं, तो वहाँ पर एक नज़र रखेगा, इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट है, देखते हैं वहाँ से क्या निकल के आता है।
डिवगी टीटीएस की जो मैं बात कर रहा था आज बंद हो जाएगा, दूसरे दिन तक अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 38% के आसपास जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का हिस्सा जो है 1.56 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, एनआईआई करीब 22%, क्यूआईबी करीब 6% के आसपास का ही सब्सक्रिप्शन अब तक मिला है। अब बात करते हैं खबरों की, तब सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने अपना मंथली अपडेट दिया है। फरवरी में कुल डिसबर्समेंट जो है उसमें 53% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 4,185 करोड़ रुपये आया है। कलेक्शन एफिशिएंसी हालांकि गिरी है, 98% से गिर के 97% के आसपास आई है। जनवरी के मुकाबले फरवरी में जो लोन ग्रोथ है, लोन बुक की जो ग्रोथ है वो करीब 1.5% के आसपास रही है। अलेम्बिक फार्मा ये कंपनी एक इम्पेयरमेंट लेने वाली है, करीब 1150 करोड़ के आसपास का इम्पेयरमेंट चार्ज जो है वो ये लेंगे। गुजरात में कंस्ट्रक्शन के तहत 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसको लेके इम्पेयरमेंट चार्जेस जो है वो कंपनी लेने वाली है, तो देखना होगा कितना असर होता है। नैटको फार्मा नज़र रखेगा इस काउंटर पे, क्योंकि 8 मार्च को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बायबैक के प्रस्ताव पे ये कंपनी विचार करने वाली है, तो जाहिर सी बात है आज इस पे आपको मूवमेंट देखने मिलेगा। मॉइल फेब का प्रोडक्शन और सेल्स नंबर्स इन्होंने दिए हैं। मैग्नीज ओर का जो उत्पादन है उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि बिक्री देखिए 19% की बढ़ोतरी जो है यहाँ पे दर्ज की है। इसके अलावा SBI और येस बैंक दोनों पे नज़र रखेगा, क्योंकि SBI ने येस बैंक में जो हिस्सा खरीदा था उसका लॉक इन पीरियड अब खत्म होने वाला है, और रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि येस बैंक में SBI जो है अपना हिस्सा और घटा सकता है, तो इसके चलते दोनों काउंटर पर नज़र रखेगा। और आखिरी में अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर नज़र रखेगा, क्योंकि इस ग्रुप ने CQG पार्टनर्स को अपना हिस्सा बेचा है, उससे करीब 15,500 करोड़ के आसपास जुटा है। अडानी एंटरप्राइजेस ट्रांसमिशन पोर्ट और ग्रीन में इन्होंने अपना हिस्सा बेचा है प्रमोटर्स ने। वेरी वेल, चलिए वरुण थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, खास और खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। फोर्टिस हेल्थ खरीद के चलने की सलाह आ रही है। खरीदारी की सलाह में आपको स्टॉप लॉस 265 का लगाना है 290 के अपसाइड टारगेट के लिए। सेंट्रम ब्रोकिंग वोल्टास खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य 935 का है और इस खरीदारी की रणनीति में 905 का स्टॉप लॉस लगाना है। आन राठी सिक्योरिटीज AU स्मॉल फाइनेंस पर आज दाव लगा रहे हैं, खरीदारी की इस रणनीति में स्टॉप लॉस 598 का और टारगेट 630 का आपको अपसाइड में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या रणनीति बन रही है, कौन से शेयरों में सेक्टर में वो ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई देंगे। इन सब पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो एक नेगेटिव वीकली क्लोजिंग हमने बनती हुई देखी, लेकिन आज सुबह के इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज और फेड की तरफ से अपडेट कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हैं, तो जरा बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ खरीदारी आप करेंगे आज? गुड मॉर्निंग। तो देखिए वैसे मार्केट जो है वो काफी वॉलेटाइल हो चुका है, और इसी रेंज के अंदर हमने मार्केट को लगभग पिछले 3 दिनों से वॉलेटाइल होते हुए देखा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये पर्टिकुलर जो मार्केट है वो कम्प्लीटली न्यूज फ्लो के ऊपर डिपेंड हो रहा है, और जैसे न्यूज आ रहा है पॉजिटिव न्यूज अगर आ रही है तो मार्केट ऊपर खुल रहा है या नीचे बंद हो रहा है। आज भी हमें लगता है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज हम शायद ऊपर खुलेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निकल पॉइंट रहेगा वो रहेगा 17,470 के ऊपर अगर निफ्टी अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर हमें लगता है कि ये निफ्टी एक बार 17,700 के लेवल से वापस दिखा सकता है। सबसे सिंपल बात ये करनी है कि ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, सिंगापुर निफ्टी भी अच्छा है, और अपने जो कल के FIs के नंबर थे वो बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक इवेंट पॉजिटिव थे, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है इस लेवल से काफी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है मार्केट के लिए। तो 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को एक बार लॉन्ग करें, अगर 17,300 वापस अगर ब्रेक होता है तो शायद हम 17,000 के लेवल देखेंगे, अदरवाइज 17,700 के लेवल इस एक्सपायरी में हम देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ के पूरे पूरे संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है खरीदारी, 17,700 अलग आगे पड़ाव बनता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। श्रीकांत जी आपकी बेस्ट पिक्स आज कहां से आ रही, कौन से स्टॉक्स पर या सेक्टर्स पर आज स्पेसिफिकली आपकी नजर होगी? बिल्कुल, तो देखिए जब मार्केट में रिकवरी बनती है तो PSU बैंक में एक अच्छी हमें रिकवरी देखने मिलती है, और स्पेसिफिकली हमें लगता है स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा इनमें अच्छी तेजी बन सकती है। बॉप को लॉन्ग करके चले बैंक ऑफ बड़ौदा को, टारगेट्स नजर आते हैं 172 के, स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 160, और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। वहां पे जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो टेक महिंद्र है, उसे लॉन्ग करके चले जो 1170 के लेवल दिखा सकता है, स्टॉप लॉस हम रखेंगे एट 1095।
ऑलराइट श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स के साथ साथ चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिखेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड टेक महिंद्रा, इन दो स्टॉक्स पर रखेगा नजर। यहाँ पर कुछ बेहतरीन खरीदारी और कुछ बेहतरीन कमाई का मौका आज आपको मिल सकता है। और चलिए शुरुआत करते हैं FIR के साथ, FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर है नजर, क्या राय वो लेकर आए हैं, पूरी रिसर्च है कुशल के पास। कुशल मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग नेहा, आप देखिए यहाँ पर सीमेंट कंपनियों पर आज गोल्डमैन सैक्स की राय आती हुई दिख रही है, जिसमें सबसे पहले तो अल्ट्राटेक पर इनकी ब्रोकरेज रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है, 7,650 से बढ़ाकर 8,500 रुपये के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, श्री सीमेंट पर लेकिन इन्होंने जो है डबल डाउनग्रेड किया है, सेल की रेटिंग दी है न्यूट्रल से घटाकर, पर टारगेट्स यहाँ पर इन्होंने रेज किए हैं सरप्राइजिंगली। 22,100 के टारगेट्स थे और अब 23,550 रुपये के लक्ष्य देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही डालमिया भारत पर नजर रखिए, डबल अपग्रेड यहां पर किया है, न्यूट्रल रेटिंग है, तो काफी सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स किए जा रहे हैं यहां पर गोल्डमैन सैक्स द्वारा सीमेंट स्पेस में। सेल से बढ़ाकर इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, टारगेट इन्होंने बढ़ाया है 1725 से बढ़ाकर 1950 रुपए के टारगेट यहां पर भी दिए हैं। जहां तक अंबुजा सीमेंट का सवाल है, न्यूट्रल रेटिंग रखी है, हालांकि टारगेट सिग्निफिकेंटली कट किए हैं, 428 से घटाकर 375 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, तो काफी कॉन्ट्रास्टिंग व्यू अलग अलग काउंटर्स पर गोल्डमैन सैक्स की आती हुई दिख रही है। ECC पर भी न्यूट्रल रेटिंग के साथ टारगेट 2315 से घटाकर 2035 रुपए के अब ये दे रहे हैं। कोफोर्ज पर राय है, इनिशिएट बाय किया HSBC ने और लक्ष्य दिया है 5310 रुपए का, मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 4250 रुपए के आसपास का है। यही नहीं, सिटी की राय है, HCL टेक पर न्यूट्रल रेटिंग के साथ 1035 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। तो लास्टली ये सारे रिपोर्ट्स हैं जिन पर आपको आज के लिए फोकस रखना है। चलिए तो थैंक यू सो मच कुशल, ब्रोकरेजेस की पूरी रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब कमोडिटी बाजार की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज कौन सी खास रणनीति हमारे सामने आज की विशेषज्ञ लाई हैं और SMC ग्लोबल की वंदना भारती की तरफ से आज की रिकमेंडेशंस आई हैं। पहले क्विक रिव्यू दे देती हूं कि कमोडिटी मार्केट में एक्जैक्टली हुआ क्या। सोना चांदी तो दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, कच्चा तेल अपने आप को दो हफ्ते के हाइस के पास टिकाए हुए है $84-85 के करीब, तो आज कच्चे तेल पर फोकस है। वंदना भारती जी की रिकमेंडेशन है कच्चा तेल खरीद के चलें 6450 के पास, अपसाइड टारगेट 6600 का मिल जाएगा। खरीदारी की इस रणनीति में 6375 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। लेकिन जब मेटल्स की बारी आती है तो लगातार तीन दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, कल भारी भरकम की गिरावट लेकर हमने सभी मेटल्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बंद होते हुए देखा है और घरेलू बाजार में भी ये लाल निशान में ही बंद हुए हैं। तो आज की जो रिकमेंडेशन है वो जिंक पे सेल साइड की आ रही है, 268 के पास बिकवाली की रिकमेंडेशन है, 265 तक के डाउनवर्ड टारगेट के लिए और आपको इस रणनीति में स्टॉप लॉस 270 के नीचे का लगाना है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।